अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की, एपिसोड 46। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी सुनाते हैं। तो भाई, मायशा जी की नशे की हालत तो बढ़ती जा रही थी और वो थोड़ी थोड़ी करीब भी आ रही थी। गाड़ी में ही वो बहुत करीब चली जाती है जो पंखुरी जी की। तभी एकदम से अंशु भी बोलती, जी जी थोड़ा सा कंट्रोल करो, मैं जैसे तैसे बस घर छोड़ दूँ आपको, फिर आपको जो भी करना है ना आपकी बीवी के साथ आराम से कर लेना रूम पे, ठीक है? फिलहाल हम बाहर है। तभी वो एकदम से जो मायशा बोलती कि तो जल्दी चलो ना, इतनी देर क्यों लग रही है घर पहुंचने में। तो बोलती, जी बस 2 मिनट, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ना प्लीज़। तो बोलते, हाँ ठीक है। तो जैसे तैसे जो है वो घर पहुंचते हैं। तो जब घर पहुंचते तो भाई मायशा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी। तो जैसे तैसे जो पंखुरी और अंशु मिल के उसे संभाल के जो है आहिस्ता आहिस्ता घर पे ले जाते हैं। और जब ये लोग हॉल में पहुंचते हैं तो भाई पलक की माम जब मायशा की हालत देखी तो एकदम से शॉक हो जाती है और एकदम सोचती, इसका ये हालत कैसे हुआ? तो पंखुरी घूर के अंशु को देखती है तो अंशु आंखें झुका लेती है। एकदम से अंशु बोलते, वो उन्होंने कुछ ड्रिंक्स किए थे, मतलब ऑरेंज ड्रिंक्स शायद, कुछ स्पॉइल हो गया उनके ड्रिंक में। तो पलक की माँ बोलते, ऐसे कैसे? तुम लोग कहाँ थे? तो अंशु बोलते, मैं तो थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और रही बात तो पंखुरी की, वो तो डांस में बिजी था वो भी एंडी के साथ। तभी जब ये बोलती है तो मायशा बोलती कि मम्मी पता है आपको, ये ना ऐसे चिपक चिपक के डांस करती है। तो भाई पंखुरी एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख ले, बोलती कि क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तो बोलते, नहीं आपने किया, वो पता है उसने आपको कहाँ कहाँ छुआ। तो बोलती कि मामा मायशा, हम बात करते हैं ना, हम रूम में जाके बात करते हैं। तो पलक की मॉम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यार हो क्या रहा है, इसका ये हालत। तभी बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम इसको पहले रूम में लेके जाओ, तुम्हारा अंकल अभी तक नहीं आया है, इससे पहले ही रूम में लेके चलो। तो जब वो लोग जाने लगते तो दोनों को जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, जो मायशा को। तभी विकास भी आता है और वो बोलती कि जो चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। तो वो जब मायशा की पास जाने लगते तो मायशा को बोलते, नहीं तुम मुझे छूओगी नहीं। तो जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुरी भी बोलती कि अच्छा ठीक है विकास, ठीक है तो मैम हम संभाल लेंगे। तो ये चीज़ जो है विकास को थोड़ा सा ऑड लगता है कि भाई अब मैंने क्या किया। तो पलक की मॉम उसके पास जाते हैं, बोलती कि वो होश में नहीं है, ऐसे वैसे कुछ मत सोच, तू अपना काम कर। तो मायशा को तो जैसे तैसे दोनों ने बहुत अच्छे से संभाल के जो है ले गए हैं रूम तक। तो जब एकदम से रूम में ले जाती तो मायशा जो है एकदम से हक कर लेती है टाइटली पंखुरी को। तो अंशु जो दूसरी तरफ मुँह करती थी, बोलती यार जी क्या कर रहे हो, मैं हूँ अभी, मैं नहीं गई, थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते? तो मायशा बोलती, तुम यार क्या कर रहे हो, जाओ ना, ये मेरी रूम है, ये मेरी और इनके रूम है, तुम क्या कर रहे हो, जाओ। तो अंशु बोलती कि पंखुरी बेटा ऑल द बेस्ट, तेरी ये रात जो है ना वो सुहानी हो। तो पंखुरी बोलते, तू बस अभी तो इसकी ये हालत है, मैं तुझे ना सुबह देखूंगी, क्योंकि अभी मैं इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकता और ना ही ये मुझे छोड़ रही है।
बात होती है। हाँ तो ठीक है ना, पकड़ रही है तो पकड़ने दे, इसमें क्या है भाई। तो बोलती कि तेरा ना दिमाग ना सटकी हुई है, मुझे अब लगता है कि तुझे जो है डॉक्टर दिखानी पड़ेगी। तो अंशु बोलती कि यार मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तू मुझे खुद को दिखाने की बात कर रही है। तो आप पंकज बोलती कि मेरा दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। तो बोलते कि यार जाऊँ तो ठीक है, लेकिन दरवाज़ा की अंदर से लॉक करेगी या बाहर से मैं लॉक करके जाऊँ। तो पंखुरी घूर को देखते और बोलती है अभी ना चप्पल उठा के मारूंगी तुझे, जा रही है या नहीं। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो जा तो रही थी, फिर अचानक आती है और बोलती कि उसे कुछ देती है, एक मेडिसिन देती है, बोलती ये ले, अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो ये दे देना इनको एंटीट्यूड, और ये पीने से पानी में मिला के देना, तो पीने से उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी, 2-3 घंटे बाद इनको ठीक हो जाएंगे और होश आ जाएंगे। तो बोलते तूने ऐसा मिलाया क्या है। तो बोलता अरे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ यार, ऐसे वैसे कुछ नहीं मिलाऊंगी, तू शांत रह, तू बस आज तो तेरा दिन है भाई, रात सुहानी मना ले। तो बोलती जाती है कि नहीं, तो वो एकदम से भागती है। तो पंखुरी बोलती कि मैं ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, उसे सोफे की साइड पे बैठाती है। बोलती कि बस बैठो, मैं डोर लॉक करके आती हूँ। तो जो है वो जो है डोर के पास आती है डोर लॉक करने के लिए। उधर जब अंशु नीचे जाती है तो सब लोग उसका इंतज़ार करते, पलक की मासी, विकास, पलक की मॉम, अनुप्रिया भी थी, लेकिन अनुप्रिया को जो है पलक की मासी बोलती है कि तुम अपने कमरे पे जाओ। तो इधर जब आती है तो बोलती कि हुआ क्या है। तो अंशु तो वो चीज़ पूरा हाइड कर लेते, बोलते ऐसा वैसा कुछ नहीं, शायद जी ने गलत ड्रिंक पी लिया। तो बोलती तुम लोग किस लिए थे। तो बोलते आंटी हम लोग थे, लेकिन हर हमेशा एकदम उसकी तरफ ध्यान थोड़ी ना होता है, कभी कभार ध्यान इधर उधर चले जाते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए शायद उसकी ऊपर से नज़र हट गई तो उन्होंने ये कर लिया, फिर इसमें हमारा क्या गलती है। तो एकदम से उठता, अच्छा तो वो जो बोल रही है कि पंखुरी चिपक चिपक के वो क्या है। तो बोलता आंटी वो होश में नहीं है, आप भी क्या उसकी बात कर रहे हो, वैसे हम लोग खाना खा के आए थे, तो आप लोग जो है ऊपर जाके डिस्टर्ब मत करना, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी, और अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वैसे भी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पंखुरी खुद है डॉक्टर। तो बोलती कि पक्का वो ठीक है ना। तो बोलते आंटी पक्का ठीक है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो वो उधर से चली जाती। इधर जब पंखुरी डोर एकदम से लॉक करने के लिए आई थी तो मायशा एकदम से उठती है और उसके पीछे से उसको अपनी तरफ एकदम से पलटती है, क्योंकि तब तक डोर वो लॉक कर चुकी थी। और जब पलटती एकदम से उसकी एकदम से उसको हक कर लेते। तो मायशा जब इतनी टाइटली उसे हक करती और इसकी इतनी क्लोज वो चली गई थी, तो भाई जब पंखुरी के दिल का धड़कन कैसे ना तेज़ हो। तो पंखुरी एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो मायशा, थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद पे यार, क्या कर क्या रही हो। तो बोलती क्यों, आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आपके साथ डांस करना है। तो पंकुरी बोलती कि मायशा क्या डांस, तुम होश में नहीं हो। तो बोलते अच्छा लेकिन मैं आपके साथ हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है कि होश में हो या नहीं हो, अपनी बीवी के साथ हूँ थोड़ी ना किसी। तभी एकदम से पंकुरी बोलती कि प्लीज़ ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता, और तुम बार बार क्यों बोल रही हो। तो महेशा जो बोलते तुम तो बोलने मत दो ना, बस डांस करो मुझसे। तो बोलती पर, तो बोलती प्लीज कर लो ना, आई वॉन्ट टू डांस विथ यू। तो बोलती ठीक ठीक है पर तुम, तो बोलती क्या कर लो ना। तो बोलती ठीक है चलो। तो जो है पंखुरी जो है वो थोड़ा सा साइड होती है, वो अपनी फ़ोन निकालती है और एक सॉन्ग बजाती है, सॉफ्ट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग जो है वो। तो बोलती कि ठीक है। तो जो मायशा एकदम से बोलती कि ये लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दो ना।
वो ड्रीम लाइट ऑन कर दो तो वो दिखे। तुम ना क्या करना क्या चाहती हो? तभी माइशा एकदम से उठती डांस। तो पंखुरी वही वही करता है, वो मेन लाइट ऑफ करती है और वो जो डीम लाइट होती है वो थोड़ा, तो भाई रूम का सिचुएशन तो भाई क्या ही बोले। रोमांटिक सॉन्ग सामने, मोहब्बत और वो भी नशे में, ओफो क्या मौसम है। तभी एकदम से मायशा जो है पंखुरी एकदम अपनी तरफ खींचती है और उसकी कमर पे एकदम टाइटली पकड़ती है और उसके साथ डांस करने लगते। पंखुरी शॉक होती है माइशा की ये मूव्स देखकर। तो माइशा एकदम पंखुरी बोलती है, तुम्हें डांस आता है? तो बोलती कि सब आता है। तो बोलते अच्छा, तब जब मैंने तुम्हें पार्टी में बोला कि मुझसे डांस करो तो नहीं किए, क्यों? तो माइशा बोलती क्यों, क्योंकि आप औरों के साथ डांस करने में बिजी थी और उसने पता है आपको कैसे कैसे छुआ। तो पंखुरी बोलती किसने? तो बोलते वही मिस्टर एंडी। तो बोलती कि क्या सोच रही हो, मेरा दोस्त है। तो बोलते अच्छा, तो दोस्त ऐसा छूता है? तो एकदम से उसकी कमर में हाथ डालती और उसकी पीठ में जो है वो हाथ से चारों ओर घूम रही। तो पंखुरी बोलती उसने ऐसे नहीं छुआ था, क्या तुम क्या बोलना चाहते हो? तो बोलते अच्छा, तो ऐसे नहीं छुआ था क्या? तो वो एकदम शोल्डर से पकड़ती और एकदम से करीब कर लेती। तो पंखुरी बोलते देखो, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, वो इतना सब कुछ तो हुआ नहीं था। तो बोलते अच्छा, अकला क्यों रहे हो? अकलाती हो तो मैं हूँ ना, आप क्यों अकला रही हो? तो पंखुरी बोलती कि देखो मामाइशा, तुम ना अभी अभी जो है होश में नहीं हो। हम बातें करते हैं, बातें करते हैं, फिर जो है बातें करते हैं, तब जब तुम जब ठीक फील करोगी तो हम फिर से डांस करेंगे। तो बोलते अच्छा, क्या मैं बच्ची हूँ? तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती कि मतलब, तो एकदम से जो है वो मायशा को दीवार के साथ लगा के वो उसकी नेक पे एकदम से जो है किस करने लगते। तो भाई इस वार से तो मायशा पंखुरी की हालत क्या ही बोलो। एकदम से बोलती क्या क्या कर क्या रही हो? तो बोलती क्यों नहीं कर सकती? तो बोलती कि पापा मायशा ये सब सही नहीं है। तो बोलती क्यों क्यों नहीं है, क्या मेरा हक नहीं है? तो बोलती कि पर तुम होश में नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि जब तुम सुबह उठो तो ये सब भूल जाओ, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए और मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। तो बोलती कि क्यों, जब बीवी मेरी खुद की हो, सामने हो और मैं जो चाहे उसके साथ कर सकती हूँ ना, क्यों मैं नहीं कर सकती बोलो ना। तो बोलती कि मायशा देखो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हें हक है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो तुमने कुछ वादा किया लिया है मुझसे। तो बोलती कि कौन सा वादा? मुझे को भी कुछ याद नहीं है। तो ऐसे बोल के उसकी नीक पे जो है किस पे किस किए जा रही थी। तो इस चीज़ से जो भाई पंखुरी का मुख खुद का जो है वो बहुत प्यार करती है, वो खुद की फीलिंग्स को कितनी देर तक रोकेगी ना, उसकी इतनी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। तो एकदम से जो है वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे पता होती है कि बाद में ये चीज़ जो है वो बहुत ख़राब होगी। तो वो एकदम से उसको थोड़ा सा पुश करती है और बोलती है मायशा बिहेव योर सेल्फ, क्या कर क्या रही हो तुम? दिमाग ठीक है? हम नहीं कर सकते ये सब, कंट्रोल करो खुद को, क्या चल क्या रहा है दिमाग में? तो भाई जब एकदम से धक्का देती है पंखुरी को, तो पंखुरी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है। तो एकदम से उसकी हाथ को पीछे से मरारती है, उसको दीवार के साथ लगाती है। बोलते क्या क्या मेरा छूना पसंद नहीं है? हाँ, जब वो लड़का तुम्हें छू रहा था, तुम्हारी बॉडी के पता नहीं कहाँ कहाँ छूना, तो तुम्हें उसको वो चीज़ अच्छी लगी? तो बोलते कि मायशा
क्या कर क्या रही हो, तुम्हारी दिमाग हो चुकी है खराब, तुम्हें खुद नहीं पता तुम बोल क्या रही हो, छोड़ो मुझे भाई, मुझे दर्द हो रहा है अब, तो बोलती तो होने दो। तो एकदम से जो है उसकी बैक से जो है उसकी जो नेक साइड पे है वो आप एकदम से बाइट करती है। तो भाई जब एकदम से बाइट करती है तो पंखुरी बोलती कि आ क्या माइशा प्लीज छोड़ो तुम। तो कुछ मत बोलो प्लीज, आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती खुद को। तभी पंखुरी बोलती कि तुम्हें करना होगा, तुम समझ नहीं रही हो, ये चीज़ बाद में जो है बहुत ख़राब होगी हम दोनों के लिए। मैं हम दोनों की रिश्ते जब जो जैब जैसा भी है वैसे ही रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम तुम मेरे साथ हो, मुझसे प्रॉपरली बात करती हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे पता है अगर ये चीज़ हो गई ना तो सुबह तुम मुझसे नज़र नहीं मिलाओगी, दूर चली जाओगी। प्लीज़ मायशा समझ समझो बात को, प्लीज़ ऐसा ऐसा कुछ मत करो प्लीज़। तो मायशा जो है एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और दीवार के साथ ऊपर जो एक हाथ से वो दिखाती है और एकदम से उसकी जो वन पीस के जो होते हैं ना तो पीछे से जो चेन होते हैं वो एकदम से ओपन कर देती। तो भाई इस चीज़ से तो भाई पंखुरी की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। क्या मायशा मायशा प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेरी बात सुनो, ऐसा 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 मत करो। लेकिन मायशा तो भाई अपनी ही धुन में थी, उसे रोकेगा कौन, तो और रोक भी नहीं सकता इस हालात में। तो एकदम से जो है उसकी जो ड्रेस हो खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो वन पीस थी तो थोड़ी सी टाइट थी तो ओपन नहीं कर पाती। लेकिन ये चीज़ मायशा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो एकदम से उसकी ड्रेस दो उसकी हाथ पहले छूती है और एकदम से ड्रेस पकड़ती और एकदम से खींच के फाड़ देती है। तो पंखुरी तो भाई एकदम शॉक की किसकी दिमाग के क्या, मैं क्या करूँ, इसको समझाऊँ कैसे, संभालूँ कैसे। तो वो एकदम से पलटती है और उसके पास जाती है। तो भाई मायशा उसको एक टक देखने लगती है क्योंकि ड्रेस तो उसने उतार दिए थे जब वो थी तो लोअर पार्ट में ही थी। तो देख के उसकी तो दिमाग और ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है, वो एकदम से उसको पकड़ती है अपनी तरफ खींचती है, उसकी फेस को पकड़ती है और एकदम से उसको किस करने लगती है। उसकी जो लिप्स है वो एकदम से जो है वो अपनी होठों से उसकी होठों के जाम पी रही थी, इतनी ज़्यादा पैशनेटली वो किस कर रही थी कि पंखुरी जी जो है वो 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है एकदम, वो कुछ कर ही नहीं पाती एकदम से। वो होते हैं ना जो वो क्या कहते हैं रोबोट मूड में चली जाती है। और मायशा भाई क्या ही था, वो एकदम से उसकी फेस को पकड़ती है और पहले तो वो लोअर लिप पे जो है किस करती है, फिर अपर लिप पे और थोड़ा सा स्मूच भी करती है। फिर जो है धीरे धीरे जो उसकी वाइल्डनेस जो है बढ़ती जा रही है, आपको एकदम वाइल्ड तरीके से एग्रेसिवली उसे किस कर रही तो और थोड़ी थोड़ी बाइट भी कर रही थी। ये चीज़ से थोड़ी थोड़ी दर्द भी हो रही है पंखुर को, लेकिन वो मदहोश हो रही है। तभी एकदम से जो है मायशा उसको एकदम से खुद के साथ जो है एकदम से बैठ के वापस ले जाती है और एकदम धक्का दे देती है। तो पंखुरी बोलती कि मायशा मायशा सुनो, तुम होश में नहीं हो, हम ये सब नहीं कर सकते, प्लीज़ समझो बात को, सुबह उठ के तुम मुझ पर ही आरोप लगाओगी, प्लीज़ ये सब मत करो, समझो बात को। तो बोलती कि उसकी लिप्स पे अपनी एक हाथ रख के बोलते चुप हो जाइए, मुझे जो करना है वो करने दीजिए। और तभी वो इधर उधर देखते हैं तो वो देखती है साइड पे ही एक दुपट्टा पड़े थे, वो एकदम से जो है एकदम से पंखुरी की जो हाथ है वो टाई अप कर देती है उस दुपट्टे से। तो पंखुरी भाई बहुत कोशिश करते लेकिन नाकाम हो जाती है भाई, अब वो डरने लगती कि वो। तभी जो है मायशा थोड़ी सी उठती है और एक
तक सिर्फ उसको देख रही थी, उस अंदाज में देख रही थी। इतनी हॉट, और जो पंखुड़ी वो इतनी हॉट लग रही थी ना कि भाई ये देख के मायशा का दिमाग और ज़्यादा घूम जाते। वो एकदम से अपनी जैकेट को एकदम से उतारती और जो टी शर्ट है वो एकदम से उतार के फेंकती। तो पंखुड़ी भाई ये रूप देख के उस क्या ही बोले, वो ना कुछ बोल पाती और एकदम से बोलती कि मामा मायशा मायशा प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ऐसे मत करो। तो वो देखिए, मैंने कहा ना आपको यही चाहिए ना, अगर आपको मैं ये दे दूँ तो आप किसी के पास नहीं जाओगे ना। तो मायशा बोलती कि क्या मतलब मुझे ये चाहिए, दिमाग ठीक है कि क्या बोल रही हो। तो एकदम से बोलती नहीं, मुझे अंशु ने बोला कि मोहब्बत में अगर आपकी मोहब्बत आपको वो चीज़ ना देना जो उसको चाहिए तो वो बाहर लोगों के साथ अट्रैक्ट फील होता है। तो मैं दे दूँ ना आपको ये चीज़, आप किसी और के पास मत जाओ ना, आपको जो चाहिए ना मैं देती हूँ, बस आप किसी और के पास मत जाओ। और वो इंसान आपको ऐसे ऐसे छू रहा था। तो बोलती कि मायशा होश में आओ प्लीज़, वो मेरा सिर्फ दोस्त है, कसम से यार प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो प्लीज़, ये हमारे रिश्ते अभी जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैं इस रिश्तों को ख़राब नहीं होना देना चाहती प्लीज़ मेरी बात। तो वो एकदम से जो है वो उसी दुपट्टे की एक कोना से जो है उसका फेस जो है वो बांध, तो वो एकदम से बोलती मत करो प्लीज़ प्लीज़ मेरी कसम प्लीज़। तो मायशा थोड़ा रुक जाती है और एकदम से जो है वो अपना जो पैंट है वो उतरती। तो भाई पंखुड़ी एकदम से दूसरी तरफ फेस करती है, बोलती है मायशा प्लीज़ ऐसा मत करो ना प्लीज़। लेकिन मायशा उसकी सुने तब ना वो जो है एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और उसके जो ऊपर आके एकदम से जो है उसकी नेक पे से हाथ एकदम से स्लो में उसकी नेक में से शुरू होके एकदम पैर तक वो हाथ से खेलने लगते। और इस वार से जो है भाई पंखुड़ी की धड़कन तो पहले से ही तेज हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा है कि वो मर ही ना जाए। तो बोलती कि मायशा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगी, बहुत कुछ हो जाएगा प्लीज़, मैं नहीं चाहती अभी ऐसा कुछ हो, प्लीज़ समझो प्लीज़। तो मायशा बोलते नहीं समझाना, नहीं समझना, मुझे 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 बस आपको वो चीज़ देनी है ना जो आपको चाहिए। तो एकदम से जो है वो एकदम से उसकी तरह पूरी तरह अपने आप को उसके ऊपर एडजस्ट करती है और एकदम से उसकी नेक पे इतनी ज़ोर से बाइट करती है ना कि भाई पंखुड़ी की एकदम चीख निकाल जाती होती, आह प्लीज़ 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 मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो प्लीज़, संभालो खुद को हमेशा, प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। जो होते वही तो नहीं कर पा रही हूँ ना बस। तो वो एकदम से उसकी फेस को पकड़ती है और उसे फिर से किस करने लगती है। भाई पंखुड़ी क्या ही बोले, वो तो उसकी हाथ बंधे हुए थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी पैर को इधर उधर हिला रही थी। तो जो मायशा है वो तो उसके ऊपर थी तो वो अपनी पैरों से उसकी पैर को एकदम से जो है टाइटली जो ग्रैब कर लेती है, जो उसके पैर भी वो ठीक से हिला नहीं पा रही थी और ना वो बात कर पा रही थी क्योंकि भाई मायशा तो फुल किसिंग कर रही थी उसको और भी पैशनेट तरीके से। तभी जो पंखुड़ी भाई कितनी देर तक वो खुद पे कंट्रोल रखे, तो वो बोलती कि प्लीज़ मेरा मेरा हाथ छोड़ दो ना प्लीज़। तो बोलती नहीं नहीं छोड़ना मुझे आपको, फिर आप चले जाओगे नहीं जाऊँगी ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो बोलती कि नहीं छोड़ना ना। तो वो जो है उसकी निक तो उसको छोड़ के लिए से उसके चीक्स पे किस करते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और एकदम से उसको बोलती कि पता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो पंखुड़ी क्या ही बोले, वो बोलती कि ठीक है मैं समझ गई, तुम पहले मुझे छोड़ो। तो बोलती कि आप बातें बहुत करते हो, चुप रहो।
तो एकदम से जो है उसकी जो लोअर पार्ट है वो उस पे उसको ओपन करने लगते, तो पंखुड़ी एकदम से बोलते यार मत करो ना, एक तो तुम होश में नहीं हो, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम ये सब मेरे ऊपर ही फाड़ोगे तुम कि मैंने ये किया। प्लीज़ ना तुम खुद को संभालो ना माशा, आगे चल के ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी हमारे रिश्ते के बीच। तो मायशा एकदम से बोलती है नहीं आएगी, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस मुझे करने दो और आप चुप रहो बस। और जो एकदम से उसकी नेक में से किस करते करते वो धीरे धीरे जो नीचे बढ़ रही थी और किस के साथ साथ वो बाइट भी करती है, तो भाई बाइट तो बाइट थी भाई, इतनी ज़ोर से बाइट करती कि हर बाइट पे जो है पंखुरी की चीख निकलती है। तो मायशा बोलती कि आप शायद भूल रहे हो कि घर पे लोग भी है, तो वो एक हाथ से जो है उसके मुंह पे हाथ रखती है, फिर वो किस करने लगते। तो भाई पंखुरी अब अपनी पैर से वो इधर उधर करने लगती कि थोड़ा सा मायशा को वो हटा सके, लेकिन मायशा फुल जोश में थी। तो एकदम से जो है मायशा जब वो उसकी जो है चेस्ट साइड पे जाती है, वो एकदम से जो है प्रेस करता है थोड़ी सी, तो भाई उस चीज़ से पंखुड़ी तो एकदम ख़त्म हो जाती है, वो ना कुछ बोल पाती है और अब वो जो हिलना डुलना था वो भी बंद हो जाती है, वो एकदम सहम सी जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, एकदम से आंखें बंद कर लेती है। तो एक मिनट के लिए जब मायशा एकदम से उसकी फेस की तरफ दिखती तो उसे इतना सुकून मिलता है कि क्या ही बोले, वो उसमें और ज़्यादा किस करने लगते हैं और जो है थोड़ी थोड़ी ब्राइट। तो इस चीज़ से जो आप धीरे धीरे पंखुड़ी भी भाई अपनी कंट्रोल जो है वो खो रही थी, तभी एकदम से जो मायशा है जब वो पेट के उधर आते हैं तो भाई वहाँ पे उसकी जब नेवल देखती है तो उसका भी नेवल जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो पहले तो उंगलियों से उस नेवल के साथ थोड़ी बहुत खेलती है और जब भी वो उस नेवल को छूती है इधर हमारी पंखुड़ी की जी की तो जान जा रही थी, वो एकदम से बोलते मत करो ना प्लीज़, बोलते मैंने कहा चुप हो जाओ ना, बात मत करो अब बस। तो वो जो वो करने लगती है जो और एकदम से जो है वो वहाँ पे किस करने लगते हैं नेवल के साइड पे, तो भाई पंखुड़ी की एकदम से जो कुछ तो बोलती कि प्लीज़ पहले तो ये हाथ छोड़ दो ना, तो बोलती कि नहीं छोड़ना ना। तो भाई वो खुद ना तो कंट्रोल कर सकती थी और ना वो उस चीज़ को बाहर निकाल पा रही थी, वो अंदर ही अंदर भाई पता है पता नहीं उसको क्या क्या महसूस हो रही थी। और इधर मायशा का हालत तो भाई क्या ही बोले, वो एकदम से इतनी एग्रेसिव हो जाती है ना कि वो और ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगते। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो वो बोलती कि इतनी तेज़ क्यों काट रही हो, तो ठीक क्यों ना काटो, उसने आपको यह भी छुआ था, तो बोलती कि नहीं छुआ था, तो बोलती कि नहीं मैंने देखा था उसने, तो बोलती कि यार वो डांस करते हुए हाथ चला गया था, तुम ऐसे तो बिहेव मत करो ना प्लीज़, तो बोलते नहीं, तो बोलती कि मायशा प्लीज़ यार कंट्रोल ना ऐसे मत करो ना प्लीज़। तो मायशा को तो भाई कुछ कंट्रोल होती नहीं, तो एकदम से गुस्से में आ जाती है, बोलती कि क्या है, क्या आपको पसंद नहीं है मेरा छूना, आपको पसंद नहीं है क्या, तो बोलती कि क्या बोल क्या रही हो, तो बोलती कि नहीं मुझे बस आपको देना है वो चीज़ जो जो आपको चाहिए, आप बस चुप हो जाओ। तो एकदम से जो है मायशा जो है खुद की जो है लोअर पर जो पहनी थी वो एकदम से जो है ओपन कर देती। तो भाई जब पंखुड़ी ये देखती तो एकदम से आँखें बंद कर लेती और बोलते कि दिमाग सटक गया है लगता है तुम्हारी,
पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो, ये क्यों ओपन क्यों की, कुछ और अपने ऊपर दिमाग की। प्लीज़ मायशा प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो ना प्लीज़, और कुछ पहनो प्लीज़, मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे, प्लीज़ प्लीज़ समझो ना बात को। लेकिन मायशा क्या ही समझेगी, वो एकदम से जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और वैसे ही उसको फिर से जो फॉरहेड पे किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है, उसकी लिप्स पे किस करती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है। उसकी बाइट इतनी तेज़ थी ना कि भाई पंखुरी की होंठ से जो खून आने लगते हैं, और जो मायशा है उस खून को जो है वो क्या ही बोले यार, खैर ये चीज़ मैं नहीं बोलना चाहती। तो जो है वो उस चीज़ को जो है वो एकदम से वो नेक पे आती है, वहाँ पे भी सेम तरीके से किस के साथ जो है बाइट करती है, धीरे धीरे वो नीचे बढ़ने लगती है, और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी ना वो, बहुत जल्दी जल्दी करने लगते। तो एकदम से जो है पंखुरी की जो वो लोअर पार्ट में थी, तो वो भी जो है वो एकदम से ओपन करने लगती है। तो भाई पंखुरी एकदम से चिल्लाती है कि मायशा प्लीज़ ऐसा ऐसे मत करो, प्लीज़ प्लीज़ समझो बात को, ऐसा मत करो ना प्लीज़, एक बार सोचो, एक बार खुद को एक बार संभालो तो सही, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मायशा तो मायशा है, वो एकदम से बोलते बस करो आप और कुछ मत बोलना आप। तो जो है वो एकदम से उसकी जो वो पहनी थी वो जो ऊपर से पे जो ब्रा पहनी थी वो भी एकदम से जो है खींच को खोल लेती है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा पेन भी होता है, लेकिन भाई मायशा जिस कंडीशन में थी वो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि पंखुरी को दर्द हो रही है या कुछ, वो अपने ही वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, वो अपने ही जो बस वो करना चाहती थी वो चीज़। तो एकदम से जो है वो पेट तक तो आती है, वो फिर से जो है उसकी नेक पे जाती है, और भी ज़्यादा बाइट करने लगते हैं। भाई पंखुरी की नेक पे बहुत सारे निशान भी आ चुके थे, और दर्द भी उसे हो रही थी, और वो खुद को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पंखुरी, लेकिन कुछ नहीं हो रही थी। तभी एकदम से मायशा जो है उसके जो चेस्ट पे एकदम से इतनी ज़ोर से प्रेस करती है कि वो एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। तो उससे आह मायशा प्लीज़ मत करो ना, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करो ना मुझे मुझे। तो जब एकदम से इतनी जोर से वो चिल्लाती है पंखुरी, तो मायशा को पता नहीं क्या हो जाती है, वो एकदम से दूर हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और एक टक जो है पंखुरी को देखती है। तो एकदम से पंखुरी जब अपने ऊपर कुछ हलचल वो नहीं देखती, तो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलती, क्योंकि मायशा के ऊपर कुछ नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, तो आंखें बंद कर ली थी। तो अब जब कुछ हलचल नहीं हो रही थी, तो एकदम से आंखें खोलती तो देखती कि मायशा जो है वो खड़ी हुई है, और उसकी आंख एकदम से जो है एकदम लाल हो चुकी थी। तो एकदम से वो बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो मायशा, आयु ओके। तो मायशा जो है वो कुछ सोच में डूबी थी, और उसकी आँख में से बस एक दो आंसू जो है अब निकलना शुरू हो गए थे। ये देख के पंखुरी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती कि भाई अब मैंने क्या कर दिया। तो वो एकदम से बोलती कि मायशा क्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो यार, अरे अरे यार प्लीज़ समझो, मैं बस इसलिए बोल रही थी कि आगे चल के तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे डर है कि तुम खुद को मुझसे दूर ना ले जाओ, वरना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, मैं चाहती हूँ तुमसे ये सब, पर लेकिन वो तुम्हारी मर्जी से चाहती हूँ यार, हम दोनों की मर्जी शामिल हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है, पर तुम अभी होश में नहीं हो, मैं इसलिए बोल रही थी, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं, सच में वो लड़का सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, और उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस एक बार यकीन कर लो ना प्लीज़, तुम रो मत प्लीज़, मेरा हाथ खोल दो। लेकिन भाई मायशा तो भाई वही पे खड़ी, उसकी आंखों से एक टक आंसू निकल ही रही थी। तो पंखुरी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो बस खुद को छोड़ने की कोशिश करती है।
तभी एकदम से जो मायशा है वो एकदम से जो है वो पंखुरी के ऊपर आते है, उसे हक करते और एकदम से इतनी जोर से रोने लगती है। पंखुरी की दिल एकदम से सहम जाता है इस तरह देख के। वो बोलती कि अच्छा अच्छा प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत रो, ऐसे मत रो, क्या हुआ क्या है, तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने कुछ किया? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने रोकूंगी नहीं, बस ऐसे रो मत, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ऐसे छोड़ दो ना, मेरे हाथ छोड़ दो प्लीज़, एक बार ये खोल दो ना प्लीज़, ऐसे रो मत ना प्लीज़ प्लीज़ मायशा, मैं नहीं देख सकती तुम्हें, ऐसे ऐसे रो मत ना, क्या हुआ बोलो तो सही। लेकिन भाई मायशा तो बस वो एकदम से इतनी तेज़ वो रो रही थी, उसकी आंसू जो है वो एकदम से जो ईशा की जो नेक साइड पे वहाँ पे उसकी आंसू गिर रहे थे। ईशा सॉरी, ईशा कहाँ से आ गया यार, आई एम सॉरी, जो पंखुरी है वो ये चीज़ महसूस तो करती है, वो उसे इतनी तकलीफ़ होती कि रो तो मायशा रही है लेकिन तकलीफ़ उसे ईशा पंखुरी को हो रही थी। वो इतनी तकलीफ़ में थी कि वो उस चीज़ को सह नहीं पा रही थी, वो तो बोलती कि प्लीज़ ना खोल दो ना मुझे, मैं नहीं देख सकती, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, मैंने कुछ किया? अच्छा ठीक है ना, तुम जो चाहती हो करो, अब मैं नहीं रोकूंगी, फिर चाहे जो भी हो मैं देख लूँगी, तुम करो जो भी करना, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहती हो करो, मैं नहीं रोकूंगी, अब बस ऐसे रो मत ना। तभी एकदम से जो है मायशा इतनी रोती है, इतनी तेज़ रोती कि एकदम से जो है बेहोश हो जाती है, वैसे ही उसके सीने में अपनी सर रख के वो बेहोश हो जाती है। तो एकदम से पंखुरी तो भाई एकदम से डर जाती है कि क्या हुआ इसको, तो वो जो है अब वो बहुत ज़्यादा खुद को छुड़ाने की हर वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि मायशा ने जो दुपट्टा बांधी थी बहुत कस के बांधी थी, तो पंखुरी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। तो एकदम से जो है वो इतनी ज़्यादा घबराई थी कि इसको अचानक क्या हो गया, तो वो और जो पता नहीं वो क्या करती है कि इधर उधर वो अपनी बॉडी को जो एडजस्ट करती है थोड़ा सा, और कैसे पता नहीं वो जैसे तैसे वो दुपट्टा खोल लेती है अपने हाथ से, और एकदम से जो है उठती है और देखती है कि मायशा जो इसकी आँखों में से आंसू थे, पूरा साइड जो है आंसू से भीग गए थे, उसकी सीने में भी उसकी आंसू थे। तो वो चीज़ देखती है और एकदम से उसे थोड़ा सा साइड करती है तो देखती है कि वो फुल बेहोश है। तो वो उसकी फेस पे हाथ करके उसे बुलाती कि मायशा मायशा क्या हुआ, तुम ठीक हो मायशा? तो देखती है कि कोई रिस्पांस नहीं है, तो उसका पल्स चेक करती है कि सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ बेहोश है। तो वो थोड़ी देर के लिए एक लंबी सांस लेती है कि चलो कम से कम बेहोश तो हुई, पता नहीं ये आज क्या करती है मेरे साथ। तो एक बार खुद की तरफ देखती है तो उसे शिट, और एक बार मायशा की तरफ देखती है, तो जब मायशा की तरफ देखती है तो वो जो है वो उसके जो खोल दी थी उसके ड्रेस वो उठाती है, उसको पहनाती है और उसको टी शर्ट पहना देती है, और फिर जो है उसे प्रॉपर तरीके से सुलाती है, और उसके हाथ में जो है रब कर रही थी थोड़ी सी, क्योंकि हाथ पैर एकदम से ठंडे हो गए थे, तो जो है रब कर रही थी गर्म करने की कोशिश कर रही, तो बार बार उसको बुला रही थी। और फिर उठती है, एकदम से पानी लेती है और उसकी तरफ उसकी फेस पे थोड़ा सा पानी थ्रो करते हैं, लेकिन जो है उसे कोई रिस्पांस नहीं होता। तभी वो जल्दी जल्दी से फ़ोन लेती है और कॉल करती है अंशी को, तो एकदम से अंशी उठा लेती है, तो अंशी बोलते आहा क्या हुआ, इतनी रात को तूने अपनी सुहानी सी रात को छोड़ के, जी को छोड़ के मुझे कॉल किया? तभी पंखुरी एकदम गुस्से में बोलते जस्ट शट अप, ओके यार अंशु, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं कहा कहा तू तुझे तू जो चाहती थी, जो मजाक मस्ती करती थी, मैं कभी तुझे रोकती टोकती नहीं थी, लेकिन आज जो तूने किया ना उसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। तो जब इतनी सीरियस वॉइस महसूस करती है तो बोलती कि क्या हुआ पंखुरी, सब ठीक है? तो एकदम से रोने लगती है कि ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बेहोश हो चुकी है, और वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, मैं
क्या कर दिया तूने, क्यों किया ऐसा? तो वो थी कि कहते देख देख पहले तू शांत हो जा यार, क्या हुआ क्या है वो बता। तो वो एकदम से बोलती कि तो जो है, क्योंकि बोलना ज़रूरी था तो सारी चीज़ बोलती है। तो बोलती कि आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं लगा था इतना कुछ होगा। तू 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 एक बात सुन, शायद ये मेडिसिन का असर है, वो उन पे शायद ये चीज़ हैंडल नहीं हुई, वो बेहोश हो गई। तू तू शांत हो जाए, 1-2 घंटे में उनको होश आ जाएगी, और जब होश आएगी ना तो वो जो मेडिसिन मैंने तुझे दे के आए थे वो तू उनको पिला देना, तो वो ठीक हो जाएगी। तू बस परेशान मत, तो सब 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 ठीक हो जाएगा। और आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। तो पंखुरी जो है उसका कोई जवाब नहीं देते, और एकदम से कॉल कट कर देते। और एक टक जो है मायशा को देखने लगती है। मायशा जब इतनी ज़्यादा रोई थी तो उसके आँख थोड़ा सा जो है फूल जाता है, उसके आँखें देखने से लगता है कि वो बहुत दिन बाद शायद रोई है ऐसा कुछ। तो वो जब देखती है तो उसे इतनी तकलीफ़ होती है ना कि क्या ही बोले। तो एकदम से वो उठती है और अपना जो ड्रेस है वो पहनती है, और आके जो है मायशा को एकदम से गले लगा लेती है, और उसे उसके सर पे सहलाने लगते हैं। तो करीब 1 घंटे वो ऐसे ही रहती है, उसकी आँख थोड़ी सी लग जाती है ऐसे जब वो एकदम से सोई हुई थी। तभी एकदम से जो है मायशा नींद नहीं, वो तो पहले से बेहोश थी, तो एकदम से वो चीख के उठती है, इतना चिल्ला के वो उठती है कि पंखुरी एकदम से डर जाती है, और मायशा एकदम से वो नींद के हालात में ही वो एकदम से उठती, मत नहीं नहीं मत करो, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मत करो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा मत करो, मुझे छूना मत। तो जब वो इतनी तेज़ चिल्ला के ये सब बात बोल रही, तो भाई पंखुरी जब ये सुनती है तो भाई उसकी तो भाई क्या ही बोले, वो एकदम से बोलती कि मैशा क्या हुआ, कोई नहीं छू रहा है, क्या हुआ, मैं यही पू, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ मैशा। लेकिन मैशा तो भाई वो एकदम से जो है वो अपनी जो हाथ पैर वो इधर उधर करने लगता है, और बोलती कि मैंने नहीं नहीं मत करो मेरे साथ, नहीं करो, नहीं नहीं नहीं। तो जो है वो अब रोने लगता है। तो इस हालत, तो इतनी खराब हालत थी मायशा की, पंखुरी जब ये देखती है तो भाई वो एकदम से सहम जाती है, और एकदम से उसको जाके हक करती है, बोलती कि क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बोलो मुझे कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ मायशा, बात करो मुझसे, होश पे आओ। तो वो जो है वो एकदम से उठती है, जल्दी जल्दी पास में जो है पानी है वो पानी लेती है, और एकदम से उसके फेस पे थ्रो करती है। तो भाई जब, और क्योंकि जो मायशा है वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि भाई थोड़ी थोड़ी सी वॉइस जो है नीचे तक जाते हैं। इधर पंखुरी हर तरह से उसको कोशिश करती है संभालने के लिए, उसे एकदम से कस के गले लगा के वो बैठती है, लेकिन उसे वो ठीक ही नहीं होती, वो हाथ पैर चलाने लगते, बोलते नहीं नहीं मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, ये क्या क्या कर रहे हो आप। तो ये जो बोलने लगते तो भाई पंखुरी की अब एकदम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, तो एकदम से उसको इतनी ज़ोर से हिलाती कि मायशा आओ होश में आओ। तो जब एकदम से होश में आती है, इतनी ज़ोर से हिलाती, तो मायशा एकदम से अपनी आँखें खोल लेती है, और उस वो एकदम से पसीने में लथपथ थी, और वो जब एकदम से उसके सामने देखती है पंखुरी तो एकदम से उसका हक कर लेती है, और इतनी ज़्यादा रो रही थी कि क्या ही बोले। पंखुरी को ही कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वो शॉक थी, वो बस उस टाइम पे जो हो मायशा को हैंडल करती है, वो उसे हक करके उसके सर पे जो है सहलाने लगता है, और उसे शांत करने की कोशिश करते है। मायशा जो है उसको गले लगा के इतना फूट फूट के रो रही थी ना कि क्या बोले। तो तभी एकदम से जो है डोर पे जो नॉक होते है, तो जब एकदम से नॉक होती है तो मायशा घबरा जाती है, वो इतनी ज़ोर से कस के गले पकड़ती है और ज़्यादा, कि पंखुरी को ये चीज़ समझ में आती कि ये डर रही है। तो पंखुरी बोलती कि क्या हुआ, तो मायशा बोलती कि डोर 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 मत खोलना,
डोर मत खुलना, वो फिर से आ जाएंगे, डोर मत खुलना, डोर लॉक रखे ना, ताला लगा लो। तो बोलती कि कौन आ जाएगा, तो बोलती नहीं वो फिर से आ जाएगा, आप डोर मत खुलो। तो बोलती कि मायशा क्या हुआ, क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, देखो मेरा दिल बैठता जा रहा है, मेरी हालत तो देखा, ऐसा तो मत करो प्लीज़, ऐसे क्या क्यों कर रहे हो तुम। भाई मायशा तो भाई बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो एकदम से उसको टाइट, और उधर डोर पे तो बार बार नॉक हुए जा रहे थे। तो चलिए देखेंगे आगे कि होता क्या है, तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना, और ढेर सारा प्यार बांटना, और हमें दुआओं में याद रखना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।